दिवाली का माहौल अलग ही होता है। घरों के सभी कोने दियों से सजे होते हैं और रात को तो आसमान भी पटाखों से चमक उठता है। आसपास के नज़ारे बिल्कुल जादुई लगते हैं। लेकिन इन सब के पीछे बहुत विज्ञान छुपा है। नमस्कार, CCL D20 में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ निधि और आज हम पटाखों के विज्ञान के चार पहलू देखेंगे। एक्शन, स्टेबिलिटी, कलर और साउंड। इस विज्ञान को पायरोटेक्निक्स भी कहते हैं। पायरो यानी फायर या आग और टेक्निक्स मतलब उसकी कला। जब कोई चीज़ जलती है उसे हम कंबशन कहते हैं। कंबशन में एक फ्यूल और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपस में रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड और कई गैसेस बनाते हैं और साथ में बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज करते हैं। हमारे आसपास जो भी चीज़ें जलती हुई नज़र आती है उन सब का कंबशन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के कारण होता है। पटाखों में भी यही रिएक्शन होती है, लेकिन अगर पटाखों का कंबशन सिर्फ हवा में मिले ऑक्सीजन से होता तो उनका मज़ा ही चला जाता। जिस तेज़ी से पटाखा फूटता है उसके लिए रिएक्शन तुरंत होना ज़रूरी है और बहुत सारा ऑक्सीजन कम समय में मिलना आवश्यक है। इसीलिए पटाखों में पोटेशियम नाइट्रेट जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को डाला जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पटाखों को जलने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। पटाखों को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जैसे कई गैसेस बनते हैं जो पटाखे को ऊपर की ओर धक्का देते हैं। यहाँ हम न्यूटन का थर्ड लॉ देख सकते हैं। रॉकेट्स भी इसी तरह अंतरिक्ष में जाते हैं। चक्री जैसे पटाखे भी न्यूटन की थर्ड लॉ पर काम करते हैं। बस फर्क इतना ही होता है कि रॉकेट पे फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगता है और चक्री पे फोर्स सेंटर ऑफ मास की थोड़ी दूर लगता है और टॉर्क जनरेट होने के कारण चक्री घूमने लगती है। बॉटल रॉकेट जैसे पटाखों से निकली गैसेस उसे ऊपर की ओर धक्का तो दे देते हैं, लेकिन ये नहीं निश्चित कर पाते कि वह सीधे ऊपर जाए। किसी भी कारण अगर रॉकेट थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो वह किसी अलग दिशा में चला जा सकता है। रियल रॉकेट्स में भी यही चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, इसीलिए उन पे फिन्स लगाए जाते हैं जिससे उनका सेंटर ऑफ प्रेशर उनके सेंटर ऑफ मास से हमेशा पीछे रहता है। इस रॉकेट में फिन्स का काम ये डंडी करती है। तो डंडी सिर्फ बॉटल में रखने के लिए नहीं होती है, ये पटाखों को सीधे आसमान में भी लेके जाती है। तो डंडी को छोटा करने से रॉकेट की स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। पटाखों के शानदार रंग आते कहाँ से हैं? एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेवल्स में होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं तो वो उस लेवल से हायर लेवल पे जा सकते हैं और वापस आने पर लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं। एलिमेंट्स की सिर्फ इस लाइट को देखकर हम उन्हें पहचान सकते हैं। इस तकनीक को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं और केमिस्ट्री में किए गए फ्लेम टेस्ट भी इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। मेटल्स की रोशनी हम आसानी से देख पाते हैं, जैसे बेरियम का ग्रीन रंग, सोडियम का येलो रंग, कैल्शियम का ऑरेंज रंग और पोटेशियम का वायलेट रंग होता है। इसलिए रंग बिरंगी पटाखों में अलग अलग मेटल सॉल्ट्स को डाला जाता है। रास्तों पे लगे पुराने स्ट्रीट लैंप्स में भी सोडियम का इस्तेमाल होता है जिससे पीली रोशनी निकलती है। कौन सा पटाखा फूटा ये हम सिर्फ उनकी आवाज़ सुनकर पहचान लेते हैं। तो देखते हैं कि ये आवाज़ आती ही क्यों है। जैसा कि हमने पहले भी देखा, पटाखों के कंबशन के दौरान बहुत सारे गर्म गैसेस पैदा होते हैं और इनके वजह से अंदर का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। ये प्रेशर तब तक बढ़ता है जब तक पटाखों की पैकिंग उसे सह सके और फिर वो फट जाता है। अंदर का प्रेशर अचानक निकलने पर साउंड प्रोड्यूस होती है। जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा आवाज़। पटाखों में सबसे ज़्यादा आवाज़ इस सूतली बम का होता है क्योंकि सूतली को कस के बांधा जाता है। यही सूतली अगर हल्के से बांधे तो इतनी आवाज़ नहीं आती। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना टाइट पटाखे को हम बांधेंगे उतना बड़ा धमाका होगा। और एक मज़ेदार पटाखा जो सबको हैरान कर देता है वो है इस छोटी सी गोली से निकला इतना बड़ा सांप। सांप की गोली मर्क्यूरी थियोसाइनेट से बनी होती है और जलाने पर
गैसेस के साथ साथ एक सॉलिड कार्बन नाइट्राइड भी बनता है। बने हुए गैसेस इस सॉलिड में ट्रैप हो जाते हैं जिससे सांप इतना बड़ा हो जाता है। पर सांप निकलने पर जो इतना धुआं निकलता है उसमें मर्क्यूरी और डाइसायन की तरह कई टॉक्सिक गैसेस होते हैं। पटाखे खूबसूरत तो ज़रूर होते हैं लेकिन उतने ही खतरनाक हो सकते हैं, तो अगर उन्हें जलाएं तो उनसे दूरी भी बनाए रखें। हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू।